सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज वीडियो। तो आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं हमारा ट्रेडिंग हॉल, जिसमें हम विलेजर्स से ट्रेड करेंगे बढ़िया बढ़िया आइटम्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो मैंने ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ करा है एंड एक सरप्राइज भी है, तो फिर वो मैं वीडियो के लास्ट में रिवील करूँगा। तो फिर अभी के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं। मैंने 6x6 का बना दिया, 7x7 और ऐसा कुछ है नॉर्मल जैसा होता है। तो फिर मेरे पास ग्लासेस नहीं है अभी के लिए, तो अभी के लिए ऐसा कंटिन्यू करते हैं। मैं 4 ऊपर ऐसे, ये 4, ठीक है 4 ब्लॉक्स की हाइट होगी इसकी। एंड ओके, मैंने 4x4 का तो कर दिया है। और अभी मुझे ये स्टेयर्स लगानी है, वो बताता हूँ मैं क्यों। देखो यहाँ पर ऐसे डेकोरेट हो जाएगा एंड साथ ही साथ एक काम भी हो जाएगा। देखो ऐसे मैं चारों तरफ स्टेयर्स लगाने वाला हूँ। ये काफ़ी टाइम टेकिंग और इरिटेटिंग भी है थोड़ा। देखो ये है इरिटेटिंग भाई। तो ओके, इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। करने वाला हूँ ये दीवार पे, जो पहले यहाँ पे ये स्टोन्स लगा देते हैं, कमी हो गए स्टोन्स। एंड बीच में हम कुछ ऐसे डेकोरेशन करेंगे। कुछ बना लिया है अभी, बता दो क्यों। बिकॉज मुझे यहाँ पर डेकोरेशन करनी है, बहुत बढ़िया से डेकोरेट करूँगा मैं इसे। ये ट्रेडिंग हॉल बहुत बढ़िया बनना चाहिए, तो फिर इसे ऐसे डेकोरेट करूँगा। करते हैं चलो। अरे यार ये गलत लग गया। ओके लेट्स गो, अभी पीछे से देखते हैं, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर होने वाली है हमारी एंट्रेंस। एंड फ्रंट साइड एकदम बढ़िया से लग तो रही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन ऐसे इधर से स्लैब से कर सकते हैं। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। और लीव्स लेके आता हूँ मैं, बस 3-4 लीव्स चाहिए। और फिर एक चीज़ मैं बहुत बढ़िया करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर काफ़ी पेड़ उगा दिए थे, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स थी, वरना मुझे। हाँ ये देखो मैंने दिखाई दिया, वेयर हाउस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो यहाँ पे इतनी स्टोरेज है, फर्नेस कितने ज़्यादा है। और अगर ऊपर चल के देखें तो यहाँ पे भी फर्नेस बहुत सारे हैं और स्टोरेज भी है। अभी के लिए तो मेरा सारा सामान इसमें ही है। एंड शेयर्स बनाने के लिए बस 1-2 आयरन चाहिए होते हैं, आई थिंक सो 2, यस 2 चाहिए होते हैं। तो फटाफट सब शेयर्स बना के ये वाले पेड़ को काट देते हैं, मतलब उसके पत्ते। मुझे क्या बनाना था, ये लीव्स, मेरे प्यारे लीव्स। ओके आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ इस डेकोरेशन के लिए। एंड या सब्सक्राइब प्लीज़, वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, इधर ऐसे लगा देते हैं। ये सही लग रहा है क्या? नहीं यार, इधर ये स्लैब लग रही है ना, अड़ रही है यहाँ पे बीच में स्लैब। तो एक और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और इस स्लैब को भी तोड़ के यहाँ पे भी एक लीफ लगा देते हैं, तो बढ़िया लगेगा। यस लुकिंग नाइस, बट ये साइड वाला बेकार लग रहा है यार। चलो डन। एंड अभी बस हमें साइड से करना है। यहाँ पर ये देखो ब्लॉक लग रहा है ना, ये कॉबलस्टोन का, एक यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ मैं। एंड देन यहाँ पर पहले नीचे लीव्स लगा देता हूँ। ओके डन। एंड यहाँ पर बीच में ऐसे ग्लासेस आएंगे, और ऊपर की मुझे छत भी बनानी है, वो तो यार लास्ट में करते हैं। ये वो लाता हूँ, और बर्च के ट्रैप डोर्स को बनाकर साइड में विंडो की जगह पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत सारे ट्रैप डोर्स की ज़रूरत पड़ेंगी यार, इतने काफ़ी नहीं है यहाँ पर। हम मुझे एक चीज़ और करनी पड़ सकती है भाई, अगर मतलब ये कम पड़ गए ना, तो पूरी खिड़की तोड़नी पड़ सकती है। पूरे बर्च के पेड़ वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज अब मेरे पास वो है तो नहीं है ना, बर्च का बायोम तो नहीं है मेरे पास पूरा। तो ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा यार, फटाफट स्टोन्स लगाते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। छी बार के लिए ओके, अब सही लग रहा है, सिंचैन का घर लग रहा है। सच में सिंचैन के घर में ऐसी विंडोज होती है भाई। लेट्स गो, हमने सिंचैन का घर बना दिया माइनक्राफ्ट में। नहीं ट्रेडिंग हॉल है, मजाक कर रहा हूँ। ट्रेडिंग हॉल है तो फिर इसे ट्रेडिंग का थोड़ा लुक तो देना पड़ेगा। एंड मैं इसे साइड से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, थोड़ी मेहनत करूँ तो। ये लेट्स गो, ओके हो गया। एंड अभी फटाफट से स्टोन कलेक्ट करते क्या आते हैं। बहुत बढ़िया से स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ इस बार, मैं ज़्यादा स्टोन कलेक्ट करूँगा। अभी तो 6-7 ही कर रहा था, अब कंजूसी नहीं करता, अब थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। मैंने पूरा एक स्टैक कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे भी मैंने टनल जैसी बना दी। बट यहाँ पे चिंता मत करो, वही बेस नहीं बनाने वाला मैं यहाँ पे। और हाँ एक जो भाई सरप्राइज था, वो तो मैंने आपको गलती से दिखाई दिया, वही था। मैंने वेयर हाउस को फाइनली इंटीरियर कंप्लीट कर दिया है,
तो वो तो आपने देख लिया एंडी, अब क्रीपर्स का अड्डा क्यों बन रखा है भाई? वो दो क्रीपर्स को मैंने अभी मारा था जब मैं माइन कर रहा था, मतलब बाहर ही था मैं, एंड अभी दो क्रीपर्स और आ गए। और इससे पहले बताऊं मैं आपको, तो फिर इसे भी फोड़ दिया था आधे को, तो ये जो ये बन रहा है ना हमारा ट्रेडिंग हॉल भी, एंड लो फोड़ दिया भाई यहाँ पे, एंड मेरा घर भी फोड़ दिया था, वो कैसल भी फोड़ दिया था भाई, मतलब कुछ भी। ओके मैंने फिर से फिक्स कर दिया, मैं थक चुका हूँ भाई फिक्स कर करके। अब एक क्या करते हैं ना, फटाफट से ये ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ये भी टूटेगा एक दिन। एक दिन क्या भाई, जरूर टूटेगा, सब सब तोड़ देंगे भाई ये क्रीपर्स। एंड हाँ टूटेगा तो बिकॉज मुझे अपग्रेड करना है, अब तक मैंने 1.21 नहीं करा भाई, मुझे फायर एमसी में खेलना है। हाँ फायर एमसी की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, अगर मैंने एंडर ड्रैगन को इसमें जल्द से जल्द मारा तो एंडर ड्रैगन को मारकर हमारी सर्वाइवल सीरीज हो जाएगी कंप्लीट, और फिर उसके बाद पार्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। ओके ये हो चुका है एंड, यहाँ पे पीछे या फिर आगे यहाँ पे मैं और ट्रैपडोर्स डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे लीव से तो कॉबलस्टोन एकदम ही मतलब वो लग रहा है ऑड वन, तो फिर यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और आगे का थोड़ा सा रास्ता क्लियर कर देते हैं ताकि ये ठीक से दिखे। तो फिर अभी मैं छत तो अभी बनाऊंगा बाद में, लेकिन पहले विलेजर्स को लेकर आते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेडिंग हॉल बनाने का। एंड यहाँ पे यार मुझे टॉर्च लगानी थी, टॉर्च हो लग रही है, मुझे लगा मॉन्स्टर्स होंगे बहुत ज़्यादा, बस आई थॉट दैट मैंने टॉर्चेस नहीं लगाई। एंड यार पहले मुझे जॉब्स लगा देता हूँ अंदर, ठीक है जॉब्स लगा देता हूँ, उनके काउंटर बना देता हूँ। सो गाइस आगे भी मैंने यहाँ पे ये बर्च वाले ट्रैप डोर्स लगा रहा हूँ, बिकॉज ये ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप खुद ही बताओ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो अभी तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, सो मुझे आई थिंक सो नीचे भी एक दो जॉब्स लगाने चाहिए थोड़ा सा खोद के। तो मैंने काफ़ी बड़ा एरिया बना दिया है यहाँ पे, देखते देखते बना, मतलब मैं यहाँ पे दो जॉब्स तो रख सकता हूँ। देखो कमेंट्स में बताना, मुझे याद नहीं कि लूम भी कोई जॉब होती है, मैंने लूम लगा दिया ऊपर, तो नीचे हम फ्लेचर लगा सकते हैं, मतलब फ्लेचर, हाँ फ्लेचर होता है ना आई थिंक सो लूम, यार याद नहीं आ रहा। लूम से देखो बैनर बनते हैं, देखो सर्च करके आता हूँ। हाँ ओके ओके मुझे पता चल गया, लूम मतलब शेफर्ड बन सकते हैं लूम से, ठीक है नाइस, तो शेफर्ड भी होना चाहिए एक। एंड यहाँ पे मैंने दो कंपोस्टर लगाए हैं, एक नीचे लगा दे देंगे, एक नीचे लगा देंगे और एक को आई थिंक फ्लेचर, ये ब्लैक स्मिथ होता है आई थिंक, नहीं वो हाँ एक जॉब है भाई। अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, रुको रुको अभी बताता हूँ। ये यहाँ पे कुछ ऐसा लगा रहता था, क्या लगा रहता था यहाँ पे, मतलब अजीब सी चीज़ थी वो यार, स्टोन कटर तो नहीं, मतलब पता नहीं क्या, मैं भूल गया वो नहीं है। अरे नहीं है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ये कोलड्रॉन उठा लेते। नहीं नहीं ये तो मेरे इन्फिनाइट वाटर सोर्स का सोर्स था, बट इसमें अब पानी चला गया यार, इससे मुझे इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाना था। एंड ओ विलेजर्स दिखे, फटाफट बोट क्राफ्ट कर दो, यहीं पे बोट क्राफ्ट कर दो, बिकॉज फिर कहीं कहीं पे मिलते नहीं है विलेजर्स भाई, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ पे अपने पास में ही मिल रहे हैं। बोट बोट बोट, अरे बोट बन जा भाई, बोट बन गई बन गई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ओ बैठ गए एक एक, अरे यार एक जान भाई एक, अब तोड़नी पड़ेगी मुझे बोट भाई, टूट जा बोट बोट टूट टूट टूट, उतरता है मैं उतारूं, मैं आ जाऊं क्या, मुझे मारना ही पड़ा उसे। एंड अभी से लेकर चलते हैं सबसे बोरिंग काम, भाई भाई चल जा बोट चल जा, अरे नहीं चल रही, छी भाई छी, और कितनी आराम से चल रही है, बट पानी है मेरे पास, पानी यार रखा होगा चेस्ट में भाई। हेलो हेलो ब्रदर, हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, डा 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 चल भी नहीं पा रही भाई, क्रीपर्स ने ना जीना मुश्किल कर रखा है भाई फिर से, मतलब कितने क्रीपर्स आते हैं, मतलब कितने। गाइस मैंने एक और जॉब बना लिया है, शुगर केन ढूंढने के बाद, उसकी शुगर बनाने के बाद, एक बुक्स बनाने के बाद, फिर बुक शेल्फ बनाने के बाद लेक्टर्न बन चुका है,
लेट्स गो एंड विलेजर्स भी मैं काफ़ी सारे लिया हूँ। देखो सो गाइस फाइनली मैंने विलेजर्स को उनकी जॉब दे दी है। देखो ये ब्लैक स्मिथ, ये फार्मर कैसे बन गया? अरे यार इधर तो ब्लैक स्मिथ है ना। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, मुझे बहुत गुस्सा। यार कितने क्रीपर्स हट चुके हैं मेरे वर्ल्ड में भाई, कितने सोचो भाई कितने, मतलब अभी अभी बटा था भाई यार एक और भाई। अभी मैं इसे फिक्स नहीं करने वाला। और यहाँ पे है हमारा ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे कैसे आया? चलो ये रहा हमारा ब्लैक स्मिथ, और फिर ये रहा हमारा खाने पीने का देने वाला, ये रहा हमारा फार्मर, एंड यहाँ पे ये भी हमारा फार्मर, एंड ये है शेफर्ड है क्या? हाँ ये शेफर्ड है। बट भाई मैंने तो यहाँ पे लकटन लगा रखा है, मैं सब कुछ मिल ऑफ कैमरा में सब करके मिलता हूँ भाई। मैंने इतना बढ़िया बढ़िया तो बनाया भाई, उन्हें जॉब्स दी है, मतलब यार कुछ भी करते हैं यार ये। और एक क्रीपर मैं ऐसे वो लगा दूंगा जिसमें कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, मॉब तोड़ नहीं सकता वर्ल्ड को, वही इतना थोड़ी होता है माइनक्राफ्ट में क्रीपर्स का। सच में कम से कम 15-20 फूट चुके हैं मेरे में, पागल वागल है क्या? सच में ब्रो लिटरली एक और क्रीपर फूट गया, मैं सो रहा था भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सो ही नहीं सकते ऐसा तो जब मॉब्स पास में होते हैं। अरे यार नहीं हो रहा और मेरे से क्रीपर्स का कंट्रोल भाई, इसे भी फिक्स करना पड़ेगा क्या? वो स्केलेटन भाई, ये मॉब्स भी ना भाई, हट तू हट, मुझे गुस्सा आ रहा है, हट पागल। एंड एरोज दे दे, एंड भाई ये क्या लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, हट। बढ़िया है, तो फिर मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है हमारे पास एक बार। तो फिर ये हमारे खाने पीने का देने वाला, और ये हमारा फार्मर, ये हमारा ब्लैक स्मिथ, और ये भी हमारा फार्मर है, और ये हमारा लूम वाला शेफर्ड यानी शेफर्ड। हाँ और ऊपर आने जाने का रास्ता स्टेयर्स है मेरे पास। अरे स्टेयर्स अभी तो पड़ी थी मेरे पास, अभी तो थी बस, तो फिर कोई नहीं अभी बना लेते हैं यहाँ पर स्टेयर्स। ओके लेट्स गो, अभी स्टेयर्स बनाते हैं, एंड हमारा ट्रेडिंग हॉल कंप्लीटेड, एक और दो, ओके बन गई स्टेयर्स। और यहाँ पे इसे इसकी फ्लोरिंग कर देते हैं, सो कंप्लीटेड। बस इसकी छत बनी है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, अब मैं अपने आप कर लूँगा ऑफलाइन मतलब। तो फिर कैसी लगी वीडियो, एंड ये नहीं दिखने चाहिए अब से मुझे वर्ल्ड्स में। ओके अभी हमारे ट्री हाउस में जाके यहाँ पे आराम से चिल करते हैं, ट्री हाउस का भी इंटीरियर बचा है भाई, चिल कहीं पे भी नहीं कर सकते। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।